News 18, India. और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल रहने वाले हैं। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश अमेठी या फिर रायबरेली, यहां से जब यात्रा गुजरेगी तो फिर उसमें शामिल हो सकते हैं। अखिलेश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार करने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस को बधाई देते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश के बाद ये यात्रा जब अमेठी पहुंचेगी या फिर शायद जब रायबरेली का रुख करेगी, उसी वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो जाएंगे। सहमति उन्होंने अपनी तरफ से दे दी है और ये कांग्रेस के लिए जरूर खुश होने वाली बात होगी, क्योंकि जितने भी इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं वो न्याय यात्रा से तो खुद को अलग ही रख रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव का इसमें शामिल होना, अमेठी या रायबरेली जब पहुंचेगी ये यात्रा, सहमति दे दी अखिलेश यादव ने कि हां मैं इसमें शामिल होऊंगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण देंगे। फिर बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपने देखा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में यहां जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपना भाषण दिया और आज बारी राज्यसभा की। हालांकि ये एक परंपरा होती है, जब भी बजट सत्र आता है उसमें राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हो जाता है उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें जो है प्रधानमंत्री का भाषण होता है, सबसे पहले निचले सदन यानी कि लोकसभा में और उसके बाद में राज्यसभा में ये धन्यवाद प्रस्ताव लाकर जो है वो भाषण दिया जाता है। हमने देखा लोकसभा में प्रधानमंत्री के काफी तल्ख तेवर कांग्रेस के प्रति दिखाई दिए, आने वाली सरकार के लिए भी उन्होंने कई दावे किए और कांग्रेस को कोई चेतावनी भी दे दी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार देने के जिला जज के आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी रहने वाली है। अदालत ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की संशोधन अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार सुनवाई होने के बाद आज एक बार फिर से इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। असल में मस्जिद पक्ष की यह दलील थी कि जिला जज ने अपने 31 जनवरी के आदेश में जिला अधिकारी को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करने का आदेश दिया था, लेकिन जिला अधिकारी ने उसी रात से पूजा शुरू करवा दी, समय नहीं लगाया इसमें जरा भी, और अब इसी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है मुस्लिम पक्ष ने। आज एक बार फिर से इसके ऊपर सुनवाई जारी रहेगी, कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, आज ये सुनवाई आगे जारी रहने वाली है।